सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल और स्मिट क्लासेस को और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आप हमें लेटेस्ट वीडियो को देख पाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमित महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल और स्मिट क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमने आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में एडवांस फाइंड ऑप्शंस को करवाया था। आज हम आपके साथ पैराग्राफ ग्रुप में टैक्स ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, तो आइए बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ टैब्स ऑप्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। टैब ऑप्शन एमएस वर्ड में काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। टैब्स ऑप्शन को समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, टैब ऑप्शन की हेल्प से आप इस प्रकार की टेबल को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आइए अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे ही हम पैराग्राफ ग्रुप में पैराग्राफ सेटिंग में जाकर टैब ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक टैब डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। देखिएगा फ्रेंड्स, यदि आपको इस टाइप की टेबल बनानी है जिसमें 4 कॉलम और कुछ रो है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एक टेबल को हम टैब की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं, मींस बना सकते हैं, बट टैब की हेल्प से टेबल को क्रिएट करने में काफी टाइम लग जाता है। आप टेबल को टैब की हेल्प से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप हमारी वर्डपैड की वीडियो को जरूर देखें। आइए अब हम आपको टैब ऑप्शन की हेल्प से टेबल को क्रिएट करना बताते हैं जिससे टेबल इजीली क्रिएट की जा सके। टैब्स को सेट करने के लिए सबसे पहले हम पैराग्राफ सेटिंग पर जाकर क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन टैब ऑप्शन। अब हमारे सामने एक टैब डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें काफी सारे हमें ऑप्शन शो होते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको हमारी वर्डपैड की क्लास में भी बताया था कि अगर हमें 4 कॉलम वाली टेबल क्रिएट करनी है तो हमें 3 टाइम्स टैब को सेट करना होता है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कॉलम के लिए हमें कोई भी टैब सेट नहीं करना होता, मीन्स हमें सेकेंड कॉलम से टैब सेट करने होते हैं। मान लेते हैं हमें सेकेंड कॉलम 5 सेंटीमीटर पर चाहिए, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब हम सेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें थर्ड कॉलम 10 सेंटीमीटर पर चाहिए तो हम यहाँ पर 10 टाइप कर सेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सिमिलरली फोर्थ कॉलम के लिए हम यहाँ पर 15 टाइप करके सेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक ऑन ओके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रूलर पर भी टैब्स सेट हो गए हैं। अब हम आपको टेबल को क्रिएट करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट कॉलम में नेम लिखा और जैसे ही अब हम टैब की को प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा कर्सर सेकंड कॉलम में जंप कर गया है। अब यहाँ हम क्लास लिखते हैं एंड देन प्रेस टैब की। सिमिलरली थर्ड कॉलम में हम रोल नंबर लिखकर जैसे ही टैब की को प्रेस करेंगे हमारा कर्सर देखिएगा फोर्थ कॉलम में जंप कर गया है। फोर्थ कॉलम में मार्क्स लिखने के बाद हमें सेकंड रो में आने के लिए हमें एंटर की को प्रेस करना होगा। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप आगे की टेबल को टैब की हेल्प से इजिली क्रिएट कर सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स इस प्रकार से। आइए फ्रेंड्स, अब हम टैब्स में कुछ और ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। टैब्स में नेक्स्ट ऑप्शन आता है टैब्स अलाइनमेंट। एमएस वर्ड के टैब्स ऑप्शन में हमें 5 टाइप के अलाइनमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल एंड बार। आइए फ्रेंड्स, अब हम इनका यूज वन बाय वन करके समझ लेते हैं। फर्स्ट है लेफ्ट अलाइनमेंट। आइए अब हमको लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज बताते हैं। देखिएगा, जैसे ही हमने लेफ्ट अलाइनमेंट को फर्स्ट टैब के लिए सेट किया एंड क्लिक ऑन ओके। आइए अब हम आपको अलाइनमेंट का यूज बताते हैं। देखिएगा, जैसे ही हम लेफ्ट अलाइनमेंट को फर्स्ट टैब के लिए सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम 4 पर क्लिक करेंगे एंड लेफ्ट पे क्लिक करते हुए हम सेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन ओके। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे ही हम सीरियल नंबर लिखने के बाद टैब की को प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर सेकंड कॉलम में आ जाता है। अब यदि हम यहाँ पर नेम टाइप करते हैं तो यह हमारे टैब के लेफ्ट में लिखा जाता है, जैसा कि देखिएगा फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं। आइए अब हम नेक्स्ट अलाइनमेंट को समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें सेकंड टैब में सेंटर अलाइनमेंट को यूज करना है तो सबसे पहले हमें सेकंड टैब पर क्लिक करना होगा एंड देन क्लिक ऑन सेंटर अलाइनमेंट। नाउ क्लिक ऑन सेट ऑप्शन। सिमिलरली थर्ड टैब के लिए राइट अलाइनमेंट एंड फोर्थ वाले के लिए डेसिमल अलाइनमेंट को सेट कर दिया है। नाउ क्लिक ऑन ओके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने रूलर पर टैब सेट हो गए हैं और साथ ही अलाइनमेंट भी सेट हो गए हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट के लिए लेफ्ट, सेकंड के लिए सेंटर, थर्ड के लिए राइट एंड फोर्थ के लिए हमने डेसिमल अलाइनमेंट को सेट कर दिया है। अब जैसे ही हम सेकंड टैब में क्लास को टाइप करते हैं तो टेक्स्ट सेंटर से लिखा जा रहा है, देखिएगा फ्रेंड्स इस प्रकार से। और अब हम थर्ड टैब में रोल नंबर को टाइप करते हैं तो हमारा टेक्स्ट टैब के राइट साइड से लिखा जा रहा है क्योंकि हमने राइट अलाइनमेंट को सेट किया हुआ है। फ्रेंड्स, जो हमारा फोर्थ अलाइनमेंट है मींस डेसिमल अलाइनमेंट है, वो एक इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट होता है। इसकी हेल्प से हम डेसिमल नंबर को इजीली टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 85.5 लिखा तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो 85 है वो टैब के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और जो डेसिमल है वह टैब के सेंटर में आता है एंड इसी प्रकार से जो डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स है वह राइट साइड में जाती है। और इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर किसी भी प्रकार की डिजिट्स लिखते हैं तो भी डेसिमल
सेंटर में ही रहता है। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम टैब में लास्ट अलाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट अलाइनमेंट है बार। फ्रेंड्स, बार अलाइनमेंट की हेल्प से हम दो टैब के बीच में एक बार लगा सकते हैं, मीन्स एक लाइन लगा सकते हैं। आइए अब हम फर्स्ट टैब को सेट करते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट टैब हमें 5 सेंटीमीटर पर चाहिए, तो हम यहाँ पर 5 लिखकर बार अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से मान लेते हैं यह कॉलम हमें 9 पर सेट करना है, तो यहाँ पर हम 9 टाइप करके लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट में से किसी को भी एक को चूज करेंगे, क्योंकि डेसिमल अलाइनमेंट न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए होता है और बार अलाइनमेंट से एक वर्टिकल लाइन आती है। अब हम सेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यह लास्ट लाइन मान लेते हैं हमें 14 सेंटीमीटर पर चाहिए, तो हम यहाँ 14 टाइप करके बार अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक ऑन ओके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो लाइन आ गई है। अब जैसे ही हम यहाँ पर कुछ टाइप करके सेकंड कॉलम पर जाने के लिए टैब की को प्रेस करेंगे, तो देखिएगा फ्रेंड्स, बार वाले टैब पर हमारा कर्सर नहीं रुका है, मींस हमारा कर्सर डायरेक्टली ही सेकंड कॉलम पर चला गया है। सिमिलरली फ्रेंड्स, जैसे ही हम यहां पर कुछ टाइप करके सेकंड रो में जाने के लिए एंटर की को प्रेस करते हैं, तो हमारा बार इंक्रीज हो गया है, मींस लाइन इंक्रीज हो गई है। देखिएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार से। इसी तरह से फ्रेंड्स, हम टैब की हेल्प से बड़ी जल्दी और इजीली टेबल को बना सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम टैब्स में नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट ऑप्शन को समझने से पहले हमने यहाँ पर 2 टैब्स सेट कर लिए हैं। टैब्स में नेक्स्ट ऑप्शन आता है लीडर। लीडर ऑप्शन की हेल्प से हम दो टैब के बीच में डॉट, अंडरस्कोर लाइन या फिर सिंपल लाइन भी लगा सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार से। इसके लिए आपको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई भी लीडर को चूज करना है। लीडर को सेलेक्ट करने से पहले हमें जिन दो कॉलम के बीच में लीडर लगानी है, मीन्स लीडर चाहिए, तो उन दोनों कॉलम में से सेकंड कॉलम वाले टैब को सेलेक्ट करके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा सेकंड कॉलम 5 सेंटीमीटर पर है, तो अब हम टैब स्टॉप पोजीशन में से 5 को सेलेक्ट करते हुए लीडर में से किसी एक लीडर को चूज कर लेंगे। एंड नाउ क्लिक ऑन ओके। अब देखिएगा फ्रेंड, जैसे हम फर्स्ट कॉलम में नेम टाइप करके जैसे हम टैब की को प्रेस करते हैं, तो देखिएगा हमारे सामने लीडर आ चुकी है। एंड देन हम जैसे ही सेकंड कॉलम में क्लास लिखकर जैसे हम टैब की को प्रेस करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हमारे सामने कोई भी लीडर नहीं आई है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने सेकंड कॉलम के लिए तो लीडर सेट करी थी, बट हमने थर्ड कॉलम के लिए कोई भी लीडर सेट नहीं करी है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे हम रोल नंबर टाइप करके एंटर की को प्रेस करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हमें सेकंड रो में आने के लिए एंटर की को प्रेस करना होता है। अब जैसे ही हम यहाँ पर नेम टाइप करके अगेन हम टैब की को प्रेस करेंगे, तो अगेन आप देखिएगा हमारे सामने लीडर आ गई है। फ्रेंड्स, हम अपने टैब डायलॉग बॉक्स में से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लीडर्स यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही हम टैब की को प्रेस करेंगे, देन हमारा कर्सर थर्ड कॉलम पर आ जाता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, आप आगे की टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, आप टैब की और टैब ऑप्शंस की हेल्प से इतनी सुंदर सुंदर टेबल्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, प्रेस बेल आइकन, जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।